I remember those mornings जब डैड बहुत हाइपर होते थे because he wants to take that first shot. एक वक्त सारा he screamed at you once to get ready and then you scream back at him. You all had a great. No, I didn't scream back at him. No, we all had a very good equation. But one time that David sir screamed at me, yes. सारा अली खान से वरुण धवन के डैड हुए थे खफा. सारा अली खान पर फिल्म कूली नंबर वन की शूटिंग के दौरान चीखे थे डेविड धवन. लेकिन सारा अली खान ने किया रिवील कि वरुण धवन की वजह से उन्हें डेविड धवन से पड़ी थी डांट. वन टाइम दैट डेविड सर स्क्रीम्ड एट मी यस टू गेट रेडी. नो आई वाज रेडी देयर आई नीडेड टू टैक समथिंग. ओके सो द टैकिंग वाज टेकिंग टाइम एंड ही वाज लाइक ही गॉट अपसेट बिकॉज़ यू वर आल्सो लेट इन योर वैन डूइंग सम अदर कॉस्ट्यूम बिजनेस. दिस वाज ड्यूरिंग रास्ते से जा रहा था एंड यू वर ऑलरेडी अपसेट हिम बिकॉज़ यू वर गेटिंग लेट बिकॉज़ ऑफ योर कॉस्ट्यूम. दैट डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ इशू बट इट्स ऑल गुड. Well, सारा अली खान और वरुण धवन ने रिसेंटली किया अपनी फिल्म कूली नंबर वन के ट्रेलर को लॉन्च एट अ डिजिटल इवेंट. इस इवेंट पर जब फिल्म की टीम यानी वरुण धवन, सारा अली खान और परेश रावल से पूछा गया टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन दिस फिल्म और इसी दौरान वरुण धवन ने एक इनफेमस इंसिडेंट के बारे में बताया जब सारा अली खान को पड़ी थी डेविड धवन से डांट. Well, ये ट्रिविया है काफी इंटरेस्टिंग लेकिन यहाँ वरुण धवन ने अपनी सारा अली खान से हुई फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताया एंड इट्स हिलेरियस एज वेल एज एडोरेबल. इनको पहली बार जब मिला था शायद एक होटल में मिला था. मैं जिम जाना था और मेरी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और लिटरली एक बच्ची भाग के लिफ्ट से बाहर जा रही थी तो उन्होंने मुझे देखा और फिर वो वापस लिफ्ट के अंदर आ गई. एंड लिफ्ट जा रही थी अभी लिफ्ट में कोई नेटवर्क नहीं है तो ये लड़की ने फ़ोन भी उठा लिया था. एंड शी टॉकिंग आई एम कमिंग. तो मैं देख रहा हूँ इसको ये कैसे बात करी, नेटवर्क तो है नहीं लिफ्ट में. तो फिर मैं वॉक करके बाहर गया और फिर मुझे वो लड़की सारा ही थी. आई वॉज अ बिग फैन. ओके गाइज ओ नो सॉरी आई एम अ बिग फैन बट या सर आई वांट टू बी इन द लिफ्ट विद लाइक वरुण धवन एंड ऑल लाइक सर आई एम प्रिटेंडिंग टू बी ऑन द फोन बट या आई गेस नाउ वी आर फ्रेंड्स. नाउ वी आर फ्रेंड्स. जैसा कि सारा अली खान ने कहा शी इज अ बिग वरुण धवन फैन. ऐसे में उनके साथ लिफ्ट में टाइम स्पेंड करने का मौका वो कैसे छोड़ सकती थीं? मूविंग ऑन, रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा अली खान का रोल कूली नंबर वन में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है एज द फिल्म फोकसेस ऑन वरुण धवन. यही नहीं, इससे पहले सारा अली खान ने रणवीर सिंह के साथ फिल्म सिम्बा की थी, उसमें भी सारा अली खान का रोल था काफी छोटा. ऐसे में रिसेंटली जब एक इंटरव्यू में सारा अली खान से पूछा गया आखिर वो ऐसी फिल्म्स क्यों साइन करती हैं जिनमें उनका स्क्रीन स्पेस होता है इतना कम, शी सेड व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल लाइक रणवीर एंड वरुण आपकी औकात नहीं होती. यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक सच कंपैरिजंस. यू आर जस्ट थैंकफुल दैट पीपल लाइक रोहित, डेविड सर, रणवीर और वरुण आर वर्किंग विद यू. यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू कंपेयर दीज थिंग्स. Well, Sara Ali Khan feels lucky to work with stars like Varun Dhawan and Ranveer Singh. ऐसे में उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म में उनका रोल कितना बड़ा है. वैसे Sara Ali Khan ने अपने करियर की अभी अभी शुरुआत की है, ऐसे में ये हो सकती है स्ट्रेटजी टू रीच एज मेनी फैंस एज पॉसिबल. और जब एक बार Sara Ali Khan की पॉपुलैरिटी हो गई इन स्टार्स के बराबर then she can surely demand equal screen space like other actresses of Bollywood. वैसे सारा अली खान और वरुण धवन स्टारर फिल्म कूली नंबर वन के ट्रेलर को ऑडियंसेस का मिक्स रिस्पांस मिला है. कुछ फैंस का कहना है कि सारा अली खान और वरुण धवन ओवर एक्टिंग कर रहे हैं इन द ट्रेलर ऑफ द फिल्म. वहीं कुछ फैंस को सारा अली खान और वरुण धवन की केमिस्ट्री पसंद आई है. अब देखना होगा क्या सारा अली खान और वरुण धवन अपनी फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के रिलीज होने के बाद अपने क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर पाते हैं या नहीं.